गोदी मीडिया की दलाली और जेएनयू में छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता पर देखें सोशल मीडिया पर लोगों की क्या राय है। शुभम कर्णवाल लिखते हैं, पटना का हनुमान मंदिर ट्रस्ट 10 करोड़ राम मंदिर के लिए देगा, लेकिन पटना के बाढ़ ग्रस्त हिंदुओं को 10 रुपए मदद नहीं किया। आगे राजेश रंजन ने लिखा है, मणिपुर INC 28 बीजेपी 21 सरकार बनी बीजेपी की, गोवा में INC 17 बीजेपी 13 सरकार बनी बीजेपी, बिहार में RJD 80 JDU 71 बीजेपी 53 सरकार बनी बीजेपी की, मेघालय में INC 21 NPP 19 बीजेपी 2 सरकार बनी बीजेपी की। अब तो चाणक्य याद आ रहा था, अब जब महाराष्ट्र में सत्ता हाथ से निकल गई तो नैतिकता याद आ रही है। यार शिवराज निगम ने लिखा है, पता नहीं लोगों को सरकार से इतनी शिकायतें क्यों है, राम मंदिर तो बन ही रही है। सोबरन कबीर यादव ने भी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, कहां तो मोदी जी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था और कहां मोदी राज में किसान अपनी किडनी तक बेचने को मजबूर है। जवाद हसन लिखते हैं, मंदिर और मस्जिद बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, काश कोई स्कूल बनवाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता। नोट, ये स्कूल युगांडा का नहीं बल्कि उत्तराखंड का है, यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही यानी बीजेपी की। सुमित चौहान ने लिखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजाया, कौन भले कौन मंदे। ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में फैले भेदभाव और अमानवीय प्रथाओं को नकार कर एक समता मूलक और इंसानियत पर आधारित पंथ की शुरुआत करने वाला बाबा नानक जी को 550वीं जयंती पर सत सत नमन, उनकी शिक्षाएं एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरणा देती है, जय गुरुदेव। आनंद राठौर ने लिखा है, मीडिया का गोदी छंद, छंद कहे कुमार, बाबा की गोद में रिपब्लिक देख हत प्रवाह हुए श्री राम, ध्वस्त मर्यादाओं में कैसे देखूं अपलक अभिराम, लक्ष्मण ने चुप्पी साधी, सीता ने देखा नील गगन में, इस धारा पर चमचे होंगे ऐसा कब सोचा था वन में, पत्रकारिता का धर्म है कुछ दिखा इनके आचरण में, प्रश्न पूछकर इस जोड़े से खामोश हो गए श्री राम। आगे तेजस्वी यादव ने लिखा है, भैंस वाला दूध वाला प्लेन में चढ़ चाय कैसे पी रहा है, ये एक और इल्ज़ाम हम पर आ रहा है, कुछ लोगों को परेशान देख हम परेशान हो जाते हैं, अफसोस फिर भी उन लोगों के मुर्शिद उनसे खुश नहीं हो पाते, हम सड़क पर अमरूद भुट्टा भूंजा और चाट भी खाते हैं और प्लेन में कबाब भी, लेकिन पेट दर्द किसी और का होता है, अब ये जन्मजात दर्द कौन ठीक करे। मोहम्मद शफीक लिखते हैं, कमाल कर दिया कुणाल कामरा ने। मधुलिका चौधरी ने लिखा है, पापा किसान थे और हम चार भाई बहन, जिस समय मैंने इलाहाबाद में एडमिशन लिया उस समय एक साल की फीस 735 रुपये या शायद 753 रुपये थी, कुल जमा 2300 रुपये फीस में स्नातक पूरा हो गया था, हॉस्टल नहीं मिला था, रूम लेकर रहते थे पर कमरे का किराया भी 1000 रुपये से शुरू हुआ और 1500 होते होते मेरा PG पूरा हो गया था, रूम शेयर करने की वजह से अधिकतम किराया 750 रुपया दिया मैंने, पूरे महीने का 1000 या 1200 खर्च मिलता था, इतना भी देने की हिम्मत पापा इस वजह से जुटा सके क्योंकि बाकी दोनों भाई नवोदय में पढ़ते थे और नवोदय तब पूरी तरह निशुल्क आवासीय स्कूल हुआ करता था, आर्थिक दिक्कतों का वो दौर अब बस यादों में है, अच्छी रही या बुरी रही बिना इस आलोचना में पड़े मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकारों ने बेहद कम पैसे में या फिर निशुल्क शिक्षा और परिवेश दिया तो एक मध्य वर्गीय किसान के चार बच्चे अच्छे संस्थानों से पढ़कर अच्छी जगह पर हैं, मैं इसलिए बढ़ी हुई फीस का विरोध करती हूँ और आप #StandWithJNU। राजेंद्र प्रसाद सिंह ने लिखा है, गुरु नानक के दो पैर इंसानियत के संदेशों को फैलाने के लिए दो महाद्वीपों को पैदल ही नाप दिए थे, बधाई गुरु नानक जयंती पर। शैलेंद्र रावत ने लिखा है, कांग्रेस खुद को टूटने देती है, जब बीजेपी को नुकसान होने का नंबर होता है तो कांग्रेस किनारे देखती है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। काकू संतानी ने लिखा है, जा बेफेकू जुमलेबाज कहीं का। जितेंद्र कुमार लिखते हैं, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हमारे देश में पत्रकारिता सड़ गया है, खासकर हिंदी पत्रकारिता, सारे के सारे संपादक मूर्ख जाहिल जातिवाद व सांप्रदायिक। श्वेता सिंह जैसों का इस जगह पर होना इसका एकमात्र परिणाम नहीं है बल्कि कई प्रमाणों में से एक है, श्वेता सिंह से शिकायत करके भी क्या हासिल होगा, श्वेता सिंह जैसे को जिसने हायर किया था उससे भी नहीं बल्कि उस हायर करने वाले से पहले वाले को हायर करने वाले इससे भी बड़े अपराधी हैं। भास्कर वास्तविक ने लिखा है, अब इंसान कम पत्थर ज़्यादा मायने रखते हैं मनुष्यों के लिए। आगे प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, देश ने संसद में चोरों को झेल लिया लेकिन अब उससे बड़े डकैत विश्वविद्यालय में बतौर VC नियुक्त किए जा रहे हैं, देश का नया नारा अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो दंगा करेगा इंडिया।
गीता यथार्थ ने लिखा है, एक चौकीदार भी एंट्रेंस देकर एडमिशन ले सकता है, ये जेएनयू में संभव है। एमएटी, शारदा, मानव रचना, अशोका यूनिवर्सिटी, क्या इनमें संभव है? नदीम खान ने लिखा है, अल्बर्ट ए बी भाई अपने दोस्त हैं, सड़कों की लड़ाई के साथी हैं, जेएनयू के काउंसलर हैं, कल दिल्ली पुलिस में इनका ये हाल कर दिया। इसके बावजूद जो चेहरे पर मुस्कान है वो ये बता रही है कि उन जख्मों से उनके इरादे हौसलों को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। आगे लक्ष्मण यादव ने लिखा है, 500 रुपये सालाना के करीब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फ़ीस ना होती तो मैं पढ़ नहीं पाता, इसलिए ऐसे कैंपसों को बर्बाद करने और फीस बढ़ाने की हर साजिश के खिलाफ लड़ना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लगातार ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आज जेएनयू की वही लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है। देश भर के कैंपसों को जेएनयू डीयू बना दो वरना संघी सत्ता इसे अशोका, गलगोटिया, एमिटी बना देगी। सबको सस्ती व अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी। #SaveEducationSaveNation। वास्तविक हूँ लिखते हैं, जिन दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था वे आज राम मंदिर बनने से खुश हैं। प्रद्युम्न यादव ने भी लिखा है, बीजेपी का एक ही एजेंडा है, जिन संस्थानों को अपने हिसाब से बदल नहीं सकते उन्हें बर्बाद कर दो, जेएनयू के साथ यही किया जा रहा है। विवेक सिंह ने लिखा है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार ना बनने पर इतना दुख खुद बीजेपी को नहीं हो रहा जितना गोदी मीडिया के कुछ हरामखोरों एंकरों को हो रहा है। आनंद राठौर ने भी लिखा है कि आप जानते हैं हिंदू और मुसलमान से बाहर भी एक दुनिया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मांगती है। गौतम मौर्य ने लिखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने राम अवतार को मान लिया तो क्या शंबुक, नरकासुर, रावण, बलिराज, महिषासुर आदि के मर्डर का केस चलाया जाए? जतिन गरगोरिया ने लिखा है, ये भी देखिए दिल्ली पुलिस या फिर संघी पुलिस का घिनौना चेहरा, गले में रस्सी डाल के ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पूछे इनसे। जगमोहन बौद्ध ने लिखा है, पटना का हनुमान मंदिर ट्रस्ट 10 करोड़ राम मंदिर के लिए देगा लेकिन पटना के बाढ़ग्रस्त हिंदुओं को 10 रुपया मदद में नहीं मिला। आगे रामशरण यादव ने लिखा है, शासकों को विश्वविद्यालय से डर क्यों लगता है? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला के बाद जेएनयू को खंडहर में तब्दील करने की कोशिश। आगे लक्ष्मण यादव ने फिर से लिखा है, गोदी मीडिया वापस जाओ, इंडिया टीवी गो बैक, जी न्यूज गो बैक, ये शानदार नारा लगाते जेएनयू, बस यही सुल्लू किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा बेचने वालों ने पहले ही सभी चैनलों को खरीद लिया है। #JNUProtest। नीरज भाई पटेल ने लिखा है, आप पूछते थे कि गोदी मीडिया का मतलब, तो साक्षात देख लो मोदी के अघोषित प्रवक्ता गोदी पत्रकार अर्णब गोस्वामी को। लक्ष्मण यादव ने फिर से लिखा है, बाबा जी नेशन वांट टू नो हेट व्हाट इज गोदी मीडिया, ये लो बेटा करके बताता हूँ। योर रिपोर्ट नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।